त्रिकंदरानंदी मंदरालय वंदितम् वंदे बंदारु मंदारम् इंदिरा मंदिरं मोहो इंदिरा मंदिरं मोहो। परम कारुणिका करुणा वरुणालय भक्तवंचा कल्पदरु अनाथस्य नाथ जगन्नाथं कपद कमल तले याधमर अनंत कोटि प्रणाम मणिमा अनंत कोटि प्रणाम सिया राम मय सब जग जानी करहुं प्रणाम जो निजुग पानी। अपूर्व भावर सहित महाप्रभुंकर दर्शन अगणित भक्त वृंद माने महाप्रभुंकर पाख को जाउछंती दर्शन करिबा पई सिंहद्वार अपूर्व शोभा को आपण देखिबा सहित ता सहित समस्त भक्त वृंद माने किपरि भावरे दुई हाथ को टेकी दे किए करपत्र जोड़ी महाप्रभुंकर से चकानयन को देखुचंती पतित पावन दर्शन करुछंती। आज्ञा से पतित पावन को दर्शन करिबा पई मध्य समस्ते आगमन करिथंते सिंहद्वार रे सेई भली भावर सहित भिड़ मध्य लागी थाए आपण माने मध्य देखुथिबे किपरि भावरे महाप्रभु को मध्य समस्ते देखुचंती। श्रीक्षेत्र रे अनेक उपासना करा जाय थाए एठारे शक्त उपासना करा जाय थाए एठारे वैष्णवंकर उपासना करा जाय थाए सेई भली भावरे शैवंकर उपासना करा जाय थाए सौर गाणपत्य सब किछि उपासना कहीं ना ये क्षेत्र उची उपासनार क्षेत्र जोठारे सब देवता मानंकर उपासना करा जाय थाए जते बेले शैव उपासना कथा आसी जाय थाए सोमवार सेति पई शिवंकर उपासना कथा निश्चित भावरे जते बेले जिबा सेते बेले शैव उपासना रे देखिबा को गले ठारे अनेक शिवंकर मूर्ति मध्य आपण देखिबा को पड़िबो जो कथा आसी थाए लोकनाथ शिव जस्य लोकनाथ हेउछंती एटारे शिव महादेव रूप रे विराजमान करिछंती से भली भावरे पंच महादेव अष्ट शंभु विराजमान करिछंती। इठारे जते बेले शैव उपासनार कथा आसी थाए श्रीक्षेत्र रे सिंहद्वार रत शोभा आपण माने दर्शन करुछंती भक्तवृंद माने किपरि भावरे गमन करिवार दृश्य भक्त आवेग रखितांती महाप्रभु को टिके देखिबा पाए जेते समय अपेक्षा करिवार कथा करिथंती किंतु जेते बले सिंहद्वार रे पतित पावन को देखि दियंती मन आउरी व्याकुलित होई जाई थाए महाप्रभु को किपरि भावरे चकासन रे चका वैठी पकाई महाप्रभु विराजमान करिछंती तंकर दर्शन करिवा पाए अपूर्व भावर सहित इठारे जेते बले चकानयन कर देखि दियंती आपण मान जे उली भावरे देखुचंती आज्ञा महाप्रभुंकर से चकानयन किपरि भावरे विभिन्न प्रकार लगेछंती अलंकार पुष्प अलंकार रे नाकुआसी महाप्रभुंकर नाकचणा ता सहित विभिन्न प्रकार रा माला मध्य लागिछि जते बले भक्तंकर नयन आसी महाप्रभुंकर नयन रे मिसी जाई थाए सेते बले अद्भुत प्रकार रा आनंद अनुभव करंती भक्त वृंद मान कहिना महाप्रभुंकु सेभली भावर सहित से मध्य भल पाइवार प्रति छवि कहीं महाप्रभु मध्य से भल पाती आज्ञा जो माने भक्त वृंद मान को महाप्रभु से भल पाती जो भली भाव से भक्त वृंद मान को महाप्रभु प्राप्ति हमारी निर्मल मन जन सोम ही पावा मोहि कट कपट छल छिद्र न भावा महाप्रभु से भक्त वृंद मान सदा सर्वदा महाप्रभु को ही भजन करती से जहाँ करुंत करना कहीं जिते बड़े महाप्रभु का दर्शन करने आसती मन भितर गोटे केवल आशा थाए आकांक्षा थाए केवल महाप्रभु को दर्शन कर महाप्रभु पाख को जीव मंदिर को जाई दर्शन करार ये भावना रखि था ये भाव जिते बड़े बढ़ी बढ़ी जाए भावनार जिते बड़े महाप्रभु तक चरितार्थ कर दिखती आज्ञा महाप्रभु समस्त भाव को बुझी पारती सेतिपाई तंकर नाम होछि भाव विनोदिया शैव भक्त वृंद मारे जते बेले आज्ञा ठाकु आसंती सेते बेले महाप्रभुंकर दर्शन शैवंकर दर्शन मध्य प्राप्ति होई जाई थाए कहीं श्रीक्षेत्र होछि वाजे शंखक्षेत्र नाम रे चिन्हित विशाल अंचल
ये सब उपासनार निर्देशन स्वरूप संप्रुक्त समस्त देवता माने समस्त प्रकार गंधर्व माने एठाकु आगमन करती। आगमन करिबा भितरे ये सब उपासनार निर्देशन स्वरूप संप्रुक्त देवादेवी मानंकर अनेक मंदिर रहिछि मध्य शैव उपासना समृद्धिरे पंच महादेव पंच पांडव यथा लोकनाथ मार्कंडेय जम्बेश्वर कपालमोचना श्री नीलकंठेश्वर समेत अष्ट शंभुंकर मंदिर संप्रुक्त भावरे रहिछि। एमाने श्रीमंदिर सहित संप्रुक्त होइथिबारु एक स्वतंत्र मर्यादा प्राप्त हुई थाए यंकु एतत् सारा अंचल वे विभिन्न नाम वाहन करी अनेक शैव मंदिर रे रही छंती। ता मध्य रे प्राचीन साही मानंकर थिबा जो साही मानंकु आपण जीवे शिव रूप रे विराजमान करी छंती कण तांकर नाम होची बानांबर। ई बानांबर कौन क्यों ठारु आसिले किपरि भाव रे ठारे रही छंती ताहा मध्य स्वतंत्रता रहिछि। तंकर नाम बानांबर हवार कौन रहिछि रहस्य ताहा मध्य किपरि भाव रे उत्पन्न हेले प्रकट हेले ताहार मध्य रहिछि किंवदंती सबुधियार किंवदंती रहिछि। महाप्रभु निजे कहुछंती निजे होछंती शैव मध्य बड़बाड़ सामंत आपण सिंहद्वार सहित बड़दाण्डर दृश्य मध्य आपण माने दर्शन करुछंती। जेतेबेले बड़दाण्डर दृश्य आपण माने दर्शन करुछंती सेतेबेले निश्चित भावरे अनुभव मध्य करुथिबे महाप्रभुंकर स्वतंत्र भावर सहित ये बड़दाण्डर शोभा। बड़दाण्डर शोभा को कौन बा वर्णना करिबा जहाँ कुआ जाई थाए धूली गंगा। ये धूली गंगार दृश्य अर्थात महाप्रभुंकर बड़दाण्ड शैव उपासना कथा जितेबले आज्ञा आसे एसा एठारे पंच महादेव विराजमान करिछंती। पंच पांडव हिसाब रे लोकनाथ रहिछंती जम्बेश्वर मध्य रहिछंती कपालमोचन सेभली भावरे रहिछंती महाप्रभुंकर मार्कंडेश्वर मध्य सेभली भावरे रहिछंती साही मानंकर पंच पांडव विराजमान करिछंती। आज्ञा पंच पांडव विराजमान करी एठारे संपूर्ण भावरे अष्ट शंभुंक भितरे मध्य पंच पांडव मध्य स्वतंत्र भावर स्थान मध्य रहिछि। ए स्थान को जेतेबेले आपण आसुछंती निश्चित भावरे पंच महादेव को दर्शन करंतु अष्ट शंभुंकु दर्शन करंतु खाली आसी महाप्रभुंकु दर्शन करी देई पळेले कण हव समस्त प्रकार रा सबुआडे जीवाकु पड़िबो। सबुआडे जाई महाप्रभुंकु दर्शन कले से समस्त प्रकार रा फल प्राप्ति होइथाय कहिंकिना चतुर्वर्ग जार चरणे परिचार चंचला जार आज्ञाकारी समस्तंकु महाप्रभु डाकिबे काहाकु केही नै पारिबेनी। नवार शक्ति आनिवार शक्ति केवल महाप्रभुंकर पाखरे अछि। आपण कहिबे भाव काही लागुनी महाप्रभु डोरी काही लगौ नांति डोरी महाप्रभु लगाइबो लेके लगौ छंति। आज्ञा आपण केते थर बाहरि छंति आपण बारंतु अधा बाटरु जदि महाप्रभु रखी रोकी देले ताले आमे जानिबा जे महाप्रभु डाकु नांति। आपण न बाहरिकी न प्रचेष्टा करी आपण कहिबे डोरी काही लागुनी आमुकु काही केही नहुनांति। आपण थरे बाहरिकी आसंतु महाप्रभु नवा दायित्व निश्वास आमे नहुचंती तांकरी प्रश्वास मध्य नहुचंती तांकरी तांकरी एरे से न चाहिले पत्रटिए हले नाही। सेभली भावर सहित एठारे जो रुद्र सो वै विष्णु स्व विष्णु स महेश्वर उभयंतर नास्ति पवनो जपरि भावरे आकाश आउ पवनंकर भितरे तफात किछि नाही सेभली भावर सहित महाप्रभु देवदेव महादेव
आउ जगन्नाथंग भितरे मध्य प्रभेद किछि नाही। सेथिपाई ई उपासनार क्षेत्र भितरे मध्य शैव उपासना हेउछंती। कण किपरि भावरे शैव उपासना हेउछंती ना अष्ट शंभु हिसाबरे, किंतु साहिमानंकरे स्वतंत्र भावरे प्रत्येक साहिरे बानांबर पुरीर प्रत्येक साहिरे बानांबर पूजा पाउछंती। जेपरि भावरे अनेक ग्राम मानंकरे समस्त प्रकार शिवंकर नाम अनेक प्रकार रहितिव, केउठारे बटेश्वर त केउठारे बालुकेश्वर, अनेक प्रकार ग्राम अनुसार मध्य नामकरण मध्य करा जाइथाय, केउठारे धवळेश्वर त केउठारे मध्य अनेक प्रकार नाम रहिछि। कहिना शिवंकर लक्ष लक्ष नाम ता भितरे मध्य जो नाम को उच्चारण करदेले मध्य कहीं ये क्षेत्र रे सब किछि स्वतंत्र। पुरुषोत्तमाख्य सुमतम क्षेत्रम परम पावनम जत्रास्ते दारवतनु शीशो मानुष लीलया मनुष्यर लीला महाप्रभु करुछंती इठारे विराजमान करिछंती। से भावरे महाप्रभुंकर जेतेबेले चतुर्धा विग्रह देखिवे सेतेबेले कुहा जाइछि बड़बाड़ जो सामंत होउछंती किए ना बलभद्र, सेथिपाई बलभद्र होउछंती सदाशिव। सुभद्रा ब्रह्म शक्तिंश्च प्रणमामि पुनः पुनः जगन्नाथ महाविष्णु बलभद्र सदाशिव। सुभद्रा ब्रह्म शक्तिश्च प्रणमामि पुनः पुनः से हिसाब रे मध्य महाप्रभु को मध्य से भली भाव रे देखा जाई थाए। जते बले शैव उपासनार कथा क्या से सेते बले निश्चित भाव रे ए कथा मध्य मने पड़ी जाई थाए। मार्कंडेश्वरंकर कथा ता सहित लोकनाथंकर कथा ता भितरे जम्बेश्वरंकर कथा निश्चित भावरे जमेश्वर इति ख्यातम जम्ब संजम नियमः जम दृष्ट्वा प्रियतातो कोटि लिंगम फलम लभे। कोटिए लिंगर फल प्राप्ति हो जाए कहकु दर्शन रे ना जम्बेश्वरंकर दर्शन रे। ये साई मानंकर बानांबर केउठु आसिले किपरि भावरे रहिले कौन तांकर किंबदंती एतद व्यतीत सारा अंचल रे विभिन्न नाम वहन करी अनेक शिव मंदिर मानंकर रहिछंती। ता मध्यरे प्राचीन साई मानंकर पुरी शहर रे बानांबर ए उपासनार परंपरा जतले शैव सहस्र नाम रे बानांबर रही अछंती। श्रीक्षेत्र रे षोडश शताब्दी आरंभ होई ऊनविंश शताब्दी मध्य रे ए मंदिर गुड़िक निर्माण होइथिबार अनुमान। ता सहित बानांबर शब्दर अर्थ तेज दीप्त रूप बा अवयवय। दक्षिणात्य रे नट नटराजंकर नाट्य रूप अवलंबन रे बानांबरंकर रूप परिकल्पना करा जाई अछि। प्रत्येक मंदिर रे धातव सर्प युक्त शिव शक्ति पूजित तत्सहित महादेव पार्वतींकर अष्टधातु निर्मित पूजा युक्त प्रभा युक्त विग्रह मध्य पूजित। गर्भगृहर कांथरे पारंपरिक शैली रे एक अस्त्रधारी असुरर पुष्टभागरे नृत्यरत दशभुज विशिष्ट शिवंकर चित्र अतीव आकर्षणीय। यहांकर मुखमंडल कमनीय तथा उज्ज्वल दीप्त चक्षु अर्धनिर्मीलित दशहस्तरे शास्त्र वर्णित आयुध जसा परशु ता सहित अंकुश त्रिशूल डंबरो अभय मुद्रा दक्षिणहस्तरे सर्प पताका पशु घंटी ता सहित बरद मुद्रा विचित्र रहिछि। विचित्र विग्रहंकर गळारे पद्ममाला उज्ज्वला पर्वत सर्प ता सहित मथा रे मुकुट सहित बक्ष्य हस्त पादरे विभिन्न अलंकार रे शोभित होइथांती। मुखमंडलर शास्त्र रे जहाँ रहिछि शांतम शाश्वत प्रमेह मनघम
निर्वाण शांतिप्रदम शांतम शाश्वतम शांतम शांतम सदा सर्वदा शांत अवस्थारे रहिथान्ति त्रिनेत्र युक्त निशाउ श्रुतु संबलित हुई थिबारु महादेवंकर लक्षण संसुचाइति थाए एही अन्यान्य रूप एक चक्र मध्यरे रही थिबा एवं एहार दुई पार्श्वरे सांकेतिक सूर्य आउ चंद्रंकर सहित दशदिग पाल ब्रह्मा गणेश कार्तिक शंखनिधि पद्मनिधि वृषभादि चित्रित होइथा रहिथान्ति ता सहित गोड़र दुई आंठो मध्यरे मध्य भागरे भांगी पाद दुई परस्पर असुर बक्षर निर्मित होइथिबार दृश्यमान होइता ई चित्र पारंपरिक पटचित्र शैली रे कलाकृति द्वारा अंकन करा जाय एवं प्रतिवर्ष शिवरात्रि रा पूर्वरु एहा मध्य स्वतंत्र भाव रे पुनर्बार मध्य कण करा जाय थाए ना रंगायित करा जाय थाए उचि बानांबर जो राक्षस कथा आसी थाए चित्र विग्रह पाद तले थिबा राक्षस सकल रोग रा प्रतिनिधि रूप रे स्वरूप अपस्मार या अपस्मार बोली गवेषकंकर मत महादेवंकर होचंती रोग नाशक एणु क्वा जाईछि भेषज भव रोगिनाम महादेव एही अपस्मार नामक असुर को संपूर्ण भाव रे दमन करिछंती जो कथा सिथाय महादेव को श्रीक्षेत्र रे पंच पांडव रूप रे ग्रहण करा जाइथिबा बेले महाभारत रे वर्णित तथ्य अनुजाई आधार आराधना रे पंच पांडव रूपी महादेवंकर महा प्रभु श्री जगन्नाथंकर अति प्रिय एही हरिहर उपासना रे बलिष्ठ सूचना मध्य दिया जाइथाय एही परिपेक्षी रे बानांबरंकु अन्यतम पांडव तथा कुंतिंकर कर्ण कुंतिंकर पुत्र कर्ण बोली मध्य स्वीकार करा जाइछि कर्ण केउठारे किपरि भाव रे रहिछन्ति श्रीक्षेत्र रे पंच पांडव त रहिले कर्ण रूप रे किए अछन्ति कि भली भाव रे रहिछन्ति कौन रहिछि किंवदंती तार स्वतंत्रता मध्य रहिछि जो स्वतंत्र सर्वतंत्र रे महाप्रभुंकर उपासित होउछन्ति येउछि उपासनार क्षेत्र इठारे सबु देवतांकर उपासना करा जाइथा शिवली भावर सहित महाप्रभु इठारे विराजमान करिकि अछन्ति विराजमान करी स्वतंत्र भावर सहित उपासित होउछन्ति जमधात्वा जी जो भली भाव रे चिंता करंती से सही भली भाव रे सहित महाप्रभु को मध्य प्राप्ति होई जानती जम जम चिंतयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं जी जो भली भाव रे चिंता करंती से सही भली भाव रे सहित निश्चित भाव रे प्राप्ति मध्य होई जानती महाप्रभुंकर अपूर्व लीलार दर्शन आपण माने मध्य करुछंती कि परिभाव रे वीडियो लागिछि सिंह द्वारे लागिछि नाट नीति पुनिया नीति हाट इबली भाव रे नाट लागितिब कला कन्ही नाट लगौछंती नटवर नंद लाला किबली भाव रे सहित नाट लगौछंती नाट मध्य लागिछि आ लागिब मध्य महाप्रभु एभली भाव रे विराजमान करिके अछन्ति समस्तंकर दर्शन मध्य सेभली भाव रे प्राप्ति होउछि ता सहित महाप्रभु को मध्य स्वतंत्र भाव रे सहित जते देवा देवी अछन्ति
ता सहित ता भीतर एठारे मध्य शैव उपासनार कथा जिते बले आज्ञा आसी शैव उपासनार कथा इति पाई बानांबरंकर सहित जोड़ित इनको कर्ण बोली कह जाए जेपरी भाव आपण माने दर्शन करुछंती कुंतिंकर पुत्र कर्ण बोली स्वीकार करा जाए था स्थापनारे तैलिक वैश्य संप्रदायर जने कथा ठाकुर मानंकर पूजा अर्चना दायित्व स्थापित ब्राह्मण परिवार उपरे नेस्त थिबा जना जाए विभिन्न ब्राह्मण शासन तथा अन्यन्य ग्रामरु आसी पुरी रे बसवास करुथिबा अनेक वैश्य नैष्टिक ब्राह्मण माने बानांबर मंदिर रे प्रत्येह रुद्राभिषेक वा जला लागी करिथंति संपत्ति ए बानांबर मंदिर गुड़िकर नीतिकांति तथा परिचालना संप्रुक्त ब्राह्मण समाज तथा बासिंदांकर हाथ में रही थाए पुरीर कुंडे बेट साई में प्रथम बानांबरंकर मंदिर प्रतिष्ठा होइथिबार एक अलौकिक प्रवाद स्वर्गत वंशीधर महंती तंकर रचित मर्त्य वैकुंठ एक मर्त्य वैकुंठ यही श्रीक्षेत्र को मर्त्य वैकुंठ आज्ञा कहा जाए था जहाँ अच्छी श्रीक्षेत्रे ताहा नाई अन्यत्रे से भाव अनुसारे ये श्रीक्षेत्र भाव को स्वतंत्र भाव सहित पालन करा जाए था से श्रीक्षेत्र परंपरा श्रीक्षेत्र ढांचा सब किसी स्वतंत्र और सर्वतंत्र मध्य जिते स्थान आपण जाइथिबे जिते जुआड़े बुलिले मध्य ये श्रीक्षेत्र स्वतंत्रता रही श्रीक्षेत्र वासना श्रीक्षेत्र चालीचलन श्रीक्षेत्र व्यवहार ये सब किसी स्वतंत्र आज्ञा स्वतंत्र सर्वतंत्र बोली से श्रीक्षेत्र को कह जा मर्त्य वैकुंठ से भाव में मर्त्य वैकुंठ नाम एक पुस्तक रही महाप्रभुंकर मर्त्य वैकुंठ विराजमान करिछंती मर्त्य वैकुंठ जो रचना अनुसार बानामंकर विषय रही संपूर्ण भाव साहिर एक छक स्थान प्रत्येक दिन अपराह्न साही अपराह्न साहिर पिला माने खेली थांती से पिला मानंकर सहित जने पिला आसी खेली खेल शेष रे अने अन्य पिला मानंकर चुटी धरी शास्ती संपूर्ण भाव रे किछि बाराबाड़ी करी देला भली व्यवहार करी ता आउ ता उपरे कुआड़े चली जानती किछि दिन परे ए भली भाव रे घटना परे जने पिला तार बापा को एक कथा जनाइले बापा दिने छकी रही देखिले प्रकृत रे आउ जने अचिन्हा पिला खेल शेष रे अन्यान्य पिला मानंकर चुटी धरी परे निकट रे महाप्रसाद कोडुआर खपरा गदा होइथिबा गदा भीतर को जाई अदृश्य होइगला एही दृश्य देखी व्यक्ति जनक किछि बुझी पारिला नाही सेई दिन रात्रि रे तंकु स्वप्ना देश हला स्वप्न रे देव देव महादेव वंदे देव उमापति सुर गुरु वंदे जगत कारणम वंदे पर्णगभूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पति वंदे सूर्य शशांक वह्निनयनम वंदे मुकुंद प्रिया वंदे भक्त जनाश्रयं च वरदम वंदे शिव शंकर तंकरी स्वतंत्र भावर सहित कण कल्य करागला न सेठारे स्वप्नादेश कले स्वप्नादेश करिबा परे परे तेंकु समस्त प्रकार र स्वप्नादेश जेते बेले करागला सेते बेले कौन से स्वप्नादेश हला
स्वप्न रे आसी महाप्रभु केते बेले मध्ये आपन को किछि कथा कहिथिबे केतेक व्यक्ति को स्वप्नादेश होई महाप्रभु केते कथा कहंती एमिति मध्ये भाव जहा संगीत सहित रहिताय तांको मध्ये स्वप्न देखि तांती से बोले बाप रे से कथा बहुत थर भाविबा परे परे से स्वप्न देखिले स्वप्न रे महादेव सही खपरा गदा भितरे अछंती आउ खेल शेष रे पिला माने सही गदा उपरे परिस्रा करथुबारु से क्षुब्ध होई से मानंको चुटी धरी दंड देवा कथा प्रकाश करथिले आहुरी कहिथिले जे से खपरा गुड़िक कैवल्य संप्रुक्ति होइथिबारु से सही जाउछंती मात्र पिला माने सही गदा उपरे परिस्रा करिबा तंकर पक्षे असह्य हेउछि या परे परे से खपरा गदा सफा होई ता तलु शिव शक्ति आविर्भूत हेले एवं साहिर ब्राह्मण वासिंदांकर द्वारा ता बानांबर नाम रे मंदिर प्रतिष्ठित होई पूजा अर्चना मध्य आरंभ हेला अन्यथा अन्य साहिर वासिंदा माने प्रवाहित होई परवर्ती काल रे सबु साहिरे अनुरूप मंदिर प्रतिष्ठा करिबा पाई उत्साह रहिथिले एबे मध्य आपण देखिबे संपूर्ण भावरे अनेक साहिमानकर इठारे जो साहिमान रहिछि से साहिरे बानांबर रूपरे पूजा पाई थंती येहुछि किंबदंती बानांबरंकु नहीं किंबदंती रहिछि जो किंबदंती को निश्चित भावरे आपण माने मध्य जेते बले मध्य आसीबे थरे देखी देबे थर सत कि नाही कालिका देवी साईरे जिबे सेठारे पचारीबे एठारे बानांबरंकर मंदिर अछि निश्चित भावरे गोटिए दुईटी मंदिर भारी बानांबरंकर बाली साईरे पचारीबे एठारे आज्ञा शिव मंदिर बानांबर मंदिर अछि निश्चित भावरे बाहरी सेबले भावरे आपण आसीबे स्थान को कथा जो कथा आसीछि दोलमंडप साई दोलमंडप साई रे पचारिबे बानांबरंकर मंदिर अछि समस्त निश्चित भाव रे बानांबरंकर मंदिर अछि पथुरिया साई रे बानांबर मंदिर अछि कुंडे बेंट साई रे बानांबर मंदिर अछि से निश्चित भाव रे समस्त आज्ञा कहिबे हां अछि बोली आ देखै देबे मध्य सब साई मानंकर प्रायतः बानांबरंकर मंदिर पूजित हेउछंती पूजा हेउछंती स्वतंत्र भाव रे विधि व्यवस्था अनुसारे तंकर मध्य पूजा अर्चना ही आसुछि आउ सेबले भाव रे सहित मध्य होइथाय जते बेले शैव उपासना रा कथा आसिथाय आज्ञा सेते बेले श्रीक्षेत्र रा शैव उपासना कहिले विशेष भाव रे महाप्रभुंकर स्थान पंच महादेवंकर स्थान को संपूर्ण भाव रे बुझे था जेहेतु पंच महादेवंकर स्थान इठारे निरूपण करा जाई जो पंच महादेवंकर स्थान कहा जाई महाप्रभुंकर पुणी नीलाद्रि महोदय ग्रंथरे उल्लेख अछि जे सुरेश्वर जगन्नाथ सप्तमूर्ति धारण पूर्वक लोकानुग्रह पाई निमित्त नाना अवतार लीला रचना करी थंती सेति पाई को आगना नाना अवतार लीला नाम रचनार्थ सुरेश्वरः स्वयं सप्तविधो भृत्वा लोकानुग्रह कामयः उपयुक्त शुल्क अनुसारे महाप्रभुंकर जो कथा आसी थाय महाप्रभु ठारे लोकमानंकर श्री जगन्नाथ नित्य मानवर लीला करुछंति एवं लीला अवतार दुईटी संबोधय रहिछि वैशाख मासरे ग्रीष्म उताप रक्षा निमित्त महाप्रभु चंदन यात्रा को जेते बेले विजय करंती सेते बेले मध्य पंच देवता संगते अछंती पंच सागर
पंच सागर से पंच सागर राधिका दोहिता मुरली धर पंच सागर विराजमान करिछंती बोली कथा रे आज्ञा आसी थाय सिति पाई ये पंच सागर होछंती संपूर्ण भावर सहित पंच महादेव शैव उपासना रे कथा आसी थाय सिभली भावर सहित जेते बले कथा आसी थाए पवन आकाश जेपरी भावरे ता भितरे भेद किछि आपण पाई परिबे नाही कि जानी परिबे नाही सिभली भावरे रुद्र एवं विष्णुंकर मध्यरे अंतर नाही सेति पई ये क्षेत्र होछि शैव क्षेत्र ये क्षेत्र होछि गणपति क्षेत्र ये क्षेत्र मध्य शाक्त क्षेत्र ये क्षेत्र मध्य वैष्णव क्षेत्र मध्य कुआ जाई थाए एठारे उपासना रे देखिबा को गले सूर्यंकर उपासना मध्य होई थाए किपरि भाव रे कलिंग देशोद्भव ई पुरी जहाँ को कुआ जाउछि श्रीक्षेत्र बोली जहाँ को कुआ जाउछि जहाँ वैतरणी समारंभ्या मुहोदधी पर्यंत वैतरणी ठारु आरंभ करी मुहोदधी पर्यंत पुरुषोत्तम क्षेत्र शंख क्षेत्र परिसीमा मध्य से भाव रही भाव सहित पुरुषोत्तम क्षेत्र जिते बड़े कथा आसी था से पुरुषोत्तम क्षेत्र जिते पर्यंत लंबी जा स्थान को मध्य श्रीक्षेत्र कहा जाए से भाव एठार सौर उपास सौरी उपासना हो सूर्य नारायण उपासना रही एठारे मध्य सूर्य उपास सूर्य नारायण उपासना सहित मंदिर मध्य आपण देखा को प्राप्ति हे जत कथा आसी थाए तठार शक्त रूप से भाव विराजमान करे ना अष्टचंडी जहाँ को कह जा महाप्रभुंकर निजे महाप्रभुंकर समस्त प्रकार विधि व्यवस्था को देखिबा पाई ये मंदिर को तंकर शुभ दृष्टि समस्त अशुभ दृष्टि को काटिबा पाई विमला बटमूले तु पश्चिमे विमलात विमला मंगला बटमूले तु पश्चिमे विमला तथा शंखस्य पृष्ठभागे संसिता सर्वमंगला जो अष्ट चंडिका रूप से विराजमान करिछंती सेभली भावर सहित ये मध्य संपूर्ण भावरे महाप्रभुंकर मंदिर को सुरक्षा देवाई शक्त माने विराजमान शैव विराजमान करिछंती भावरे पंच पांडव हिसाब से कहगला जो रुद्र सो स्वयं विष्णु जो विष्णु स महेश्वर उभयंतर नास्ती पाव पावन आकाशो पावन आकाश मध्य भाव भेद ना से भाव जी रुद्र से विष्णु जी हूँ विष्णु से सह महेश्वर से मध्य महेश्वर से श्रीक्षेत्र युधिष्ठिर को मध्य श्री लोकनाथ को से भाव कहुए कौन धीमंकर आख्या दि जा मार्कंडेश्वर को अर्जुन आख्या से भाव कपालमोचन को नकुल ओ नीलकंठ को सहदेवर अभिहित कर श्री जगन्नाथ मंदिर केतेक नीति सहित मध्य ये पंच महादेव संपर्क मध्य रही किपर भाव बा संपर्क रहा कहले कहीं महाप्रभु सदा सर्वदा ठेरे विराजमान कर आगला अयम दारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुधरम सर्ववेदांत सारम भक्तानां कल्पवृक्षा भव जलतरणी सर्वतत्वानुतत्वं योगीनां हंसतत्वं हरिहरनमितं श्रीपतेर वैष्णवानां शैवानां भैरवाख्या पशुपतितेर
शक्ति तत्वां च सक्तम बौधानां बुद्धरूपां ऋषभजति वरम जैन सिद्ध्यांत सारम तंदेव पातु नित्यं कलिकलु सहरम श्रीनीलशैलाधिनाथम ये होंगे मध्य निजे हूँ शैबा निजे हूँ सब किसी आज्ञा से पंच महादेवंकर सहित तंकर मध्य अनेक संपर्क रही जेपरी भाव आपण माने मध्य देखुचंती मंदिर भितर मध्य अष्ट शंभुंक भितरु मध्य दुईटी शंभु विराजमान करिछंती स्वतंत्र भावर सहित विराजमान करी महाप्रभुंकर सहित उत्पुत भावरे मध्य जड़ित अछंती आ लीला मध्य सेवळी भावर सहित चलीछि से लीला को कौन कहिबा महाप्रभुंकर लीला जो लीला को देखिबा पाई समस्त देवता मान मध्य आगमन करंती सेतिपाई कहगला तेतीसी कोटि देवे आसी मिलिले सर्वे करंती जय जय घोष हे राधाईश तेतीसी कोटि देवता जोठार आसी थंती महाप्रभु को सेवा करिबा पाई तेतीसी कोटि देवता जोठार आसी महाप्रभु को दर्शन करती इठारे मध्य से भले भावरे करपत्र जोड़ी महाप्रभु को प्रार्थना करुछंती मध्य दुई गोटे दुई पार्श्वरे ब्रह्मा गोटे पार्श्वरे आ गोटे पार्श्वरे मध्य से भले भावर सहित देवदेव महादेव मध्य करपत्र जोड़ी प्रार्थना करुछंती से भले भावरे महाप्रभु मध्य इठारे मध्य शिवंकर संपूर्ण भाव घर को जाई महाप्रभु मध्य से भाव देवदेव महादेव मध्य से भाव महाप्रभुंकर घर को आसी गुआली जहाँ को कहा जाए महाप्रभुंकर स्वतंत्र भाव एक पटुआर से बाहरी जम्बेश्वरंकर मंदिर को जाती से भाव शीतल षष्ठी जहाँ को कहा जाए शिव बिवाह पर दिन से भाव पंच महादेव तंकर सहित पार्वती को धारी धारण करी आगमन करी बाबर सहित जिते बड़े पंच महादेव को आपण आसुंच पंच महादेव दर्शन करतु महाप्रभुंकर कृपा को प्राप्ति हंतु कहीं कह लोकनाथ शिवजस्य तीर्थजस्य महोदधी विमला भैरवी जत्र जगन्नाथस्तु भैरव महाप्रभु देवदेव महादेव ढेर विराजमान करी समस्तंकर संपूर्ण भाव दर्शन करने सहित समस्त मंगल कामना को विधान किपरी भाव से चिंतार सदा सर्वदा देवदेव महादेव विराजमान करभुंकर से बड़ देवल ता सहित अरुण स्तंभर अपूर्व शोभा को दर्शन करुंट सहित सिंहद्वार शोभा को अनुभव करसतु ये भाव सहित त दर्शन करुवा महाप्रभुंकर जेहेतु सोमवार शिवंकर कथा कहीं देवदेव महादेवंकर कथा सरे नाही जेपरी भाव कई असित गिरी समस्यात कज्ज्वलम सिंधु पात्रे सुरतरु वरु शाखा लिखनी पत्रमूर्भी लिखति जदि गृहीत्वा शारदाम सर्वकाले तदपि तव गुणानाम मिस पारम न जाति इवली भावरे तंकर गुणानुकीर्ति सरे नाही से भाई भाव देवदेव महादेवंकर कथा ईशान्यश्वर महादेवंकर कथा को मध्य श्रवण करिबा मोर अनुज राजेश कुमार महा